Welcome to Dr. Gunjan's classes. This side, Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 3 of our chapter number 1 of your class 10, that is chemical reactions and equations. So हम इसके part 1 और part 2 already कर चुके हैं. उनमें हमने देखा कि chemical reaction क्या थी, chemical reaction क्या होती है, chemical equation क्या होती है, ठीक है? इनके बारे में हमने देखा और उसके बाद हमने केमिकल इक्वेशंस दो तरह की हमने पढ़ी, एक स्केलेटल और एक बैलेंस, ठीक है? तो अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो यू कैन वॉच दीज टू वीडियोस आई हैव कवर्ड. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट यू गो एंड एटलीस्ट स्टडी दैट पार्ट, ठीक है? सो दिस इज ऑल, दिस पार्ट इज कवरिंग योर एनसीईआरटी बुक. So please, after watching this video, go and study, go and at least read your NCERT book chapter number 1, okay? So let's see what are the contents we are going to study under this part. So ab isme hum log dekhne wale hain ki chemical equation jo hai usko balance kaise kiya jaye. So there are steps, some steps which has to be followed for balancing a chemical equation. So we will see what are those steps and how we can apply in a like a formula or in a chemical equation, and we'll do that by using some examples. Hum kuch examples karenge usko dekhte hue. Okay, so ye dekhiye, ye ek chemical equation, theek hai? Ye ek chemical equation, ye chemical equation aap samajh sakte hain kaun si hai, isme kya ho raha hai? Isme glucose ki formation ho rahi hai. You can see here C6H12O6. So this is a photosynthesis reaction, जहाँ पे carbon dioxide water के साथ मिलकर, ठीक है, in the presence of sunlight and chlorophyll क्या दे रहा है हमें, glucose, and releases oxygen. So this is a photosynthesis reaction. You can see. तो यहाँ पे ये reaction जब लिखी गई, तो इसका क्या मतलब था? कि ये मतलब है कि ये दोनों जो left hand side पे हैं. This is your left hand side, okay? And this arrow, this is your right hand side, okay? ये right hand side. Left hand side वाले क्या होते हैं? You all know, हमने इतनी बार अभी read किया है, क्या होते हैं? Reactants. और जो right hand side पे बनते हैं वो क्या होते हैं? Products, ठीक है? तो reactants जो हैं, अगर आप बात करें, अगर आप इस पूरे की बात करें तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल, और अगर आप इस इंडिविजुअल की बात करें तो ये हो गया हमारा एटम, ठीक है? और ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये है हमारी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर. सो दिस इज गैस, जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड, एस फॉर सॉलिड. सो दीज आर दी केमिकल इक्वेशन. ये एक कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. इस तरह से केमिकल इक्वेशंस को लिखा जाता है, जो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है कि क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है, किस चीज ने क्या बनाया, ठीक है, और उसमें कंपाउंड्स और एटम्स का जो नंबर है वो बैलेंस्ड है, बिकॉज एटॉमिक मास शुड बी सेम ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है? एंड यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर भी लिखा गया है, कौन सी चीज किस फॉर्म में प्रेजेंट है या किस फॉर्म में वो फॉर्म हो रही है. सो दिस इज अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन. ओके, लेट्स सी हाउ वी कैन राइट दिस टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है? सो फॉर दिस वी हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. सो जो स्टेप्स है, अगर हम उनको इस तरह से पढ़ते हैं कि आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, बेसिकली मोर देन 5 स्टेप्स यू हैव टू फॉलो. सो लेट्स सी कौन से स्टेप्स हैं. सबसे पहले, जब आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो आपको जितने भी फॉर्मूलाज आपको दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि H2 plus O2 अगर आप दिया जाता है, और यहाँ पे H2 अगर ये एक इक्वेशन सपोज में हो, तो यू हैव टू ड्रॉ दीज टाइप ऑफ बॉक्सेस अराउंड ईच एटम on the reactant sides as well as on the product sides while balancing the equation. Then second step, पहला तो आपने सारी equation में उनको balance, जिसको balance करना है उस equation के आसपास आपने boxes draw कर दिए. Then आपने number of atoms जो हैं unbalanced है equation के अंदर उनको list down कर देना है.
जैसे कि H2 हो गया या O2 हो गया, इसमें दो ही एटम्स हैं, तो आप दोनों को लिस्ट डाउन कर लीजिए, ठीक है? देन आप उसको देखिए, ये रिएक्टेंट साइड्स पे, प्रोडक्ट साइड्स पे, ये रिएक्टेंट साइड्स पे ये दो है, प्रोडक्ट साइड पे भी ये दो है, रिएक्टेंट साइड पे ये दो है, प्रोडक्ट साइड पे ये वन है, ठीक है? तो इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे? आप यहाँ पे टू, वन को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों जगह पे दो दो होना चाहिए बेसिकली, ठीक है? तो आपको इसकी फॉर्म चेंज नहीं करनी, आप यहाँ पे टू नहीं लगा सकते, यू हैव टू फॉर्म टू हियर, यहाँ पे टू नहीं लगा सकते, ठीक है? आपको टू यहाँ लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपको उसकी फॉर्म भी चेंज नहीं करनी है, वो वाटर ही रहना चाहिए अगर वाटर बन रहा है, बट आपको उसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे टू लगा देंगे। तो अब यहाँ पे टू लगा दिया तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे भी टू लगा दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ती है। हम इसको डिटेल में समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, बट राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू लाइक मेक यू क्लियर की व्हाट इज रिटन ऑन दीज स्टेप्स, ठीक है? सो पहले स्टेप में आपने बॉक्सेस ड्रॉ कर लिए, दूसरे स्टेप्स में आपने नंबर ऑफ एटम्स लिख लिया और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स को उनको लिख लिया, देन उनको एक एक को बैलेंस करने की कोशिश की, चाहे वो रिएक्टेंट्स है चाहे वो प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि किसको बैलेंस करने की कोशिश की जाए, जैसे ये तो सिंपल रिएक्शन थी, तो इसमें आपको पता है दो ही एटम्स है, तो दोनों को वन बाई वन आप कर सकते हैं, बट आप सबसे पहले अगर मोर देन लाइक थोड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हो, तो आप सबसे पहले जो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, ठीक है, उसको उठा के बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ये हम आगे इक्वेशंस में देखते हैं, तो पहले आप उसको उठा के बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, फिर उसको अनबैलेंस एटम को बैलेंस कीजिए, देन आप बाकी स्टेप बाय स्टेप बाकी एटम्स पे आइए और उन सबको बैलेंस कीजिए। देन जब बैलेंस हो जाए एटॉमिक नंबर्स, सॉरी उनके मासेस जब बैलेंस हो जाए, जब एटम्स बैलेंस हो जाएंगे तो उनके मासेस और अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है? जब वो बैलेंस हो जाए तो एट स्टेप जो हमने बताया था कि फिजिकल स्टेट्स आपको लिखनी बहुत जरूरी है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या फिर एक्वस है, ये आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स दोनों में मेंशन करना है, ठीक है? जैसे कि हमने अभी वो किया था, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी थी जिसमें सब जगह फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर्स लिखी हुई थी, ठीक है? और जो एक्वस का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो एज अ सॉल्यूशन प्रेजेंट है वॉटर के अंदर। जब वाटर के अंदर वो एज अ सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो आप एक्वस फॉर्म लिखेंगे, लिक्विड नहीं लिखेंगे। लिक्विड तब लिखते हैं जब वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में भी है, सॉरी लिक्विड आप तब लिखेंगे नॉर्मली जब लिक्विड फॉर्म दे रखी है, बट जब वो वाटर में सॉल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप एक्वस लिखेंगे, राइट? सो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, आपको वन बाय वन इसको फॉलो करना है। सो ये हमने अभी तक स्टेप्स देख लिए, अब हम इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं हमारी इक्वेशंस। तो आप ये रिएक्शन देखिए, CH4 इट्स अ मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। सो लेट्स सी कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, अगर नहीं है तो इसको बैलेंस किया जाए। सो ये एक रिएक्शन हो रही है मीथेन और ऑक्सीजन में जो कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन दे रही है। तो इट्स बेसिकली ए कंबशन रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन करे। तो इसमें बेसिकली जो है हमें बैलेंस करना है कार्बन एटम्स को। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, अगर हम लोग बात कर रहे थे, कि जो कार्बन है, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे वन कार्बन है, इस साइड भी वन कार्बन है, कार्बन इज बैलेंस। हाइड्रोजन की बात करें तो चार हाइड्रोजन है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। देन ऑक्सीजन की बात करते हो, यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है, तो आपको इनको भी बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि हमें दो एटम्स को बैलेंस करने की जरूरत है, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो लेट्स सी हाउ वी डू दैट। कार्बन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, so now we look at the hydrogen. Four hydrogen atoms are present on the reactant side, we have seen that, okay? Then two hydrogens are present on the product side.
इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर के आगे क्या लगा देते हैं, टू, हम इसके आगे टू लगा देंगे. सो जब हाइड्रोजन एटम्स बैलेंस हो जाएंगे तो टू फ्रंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो चार ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर हो जाएंगे. सो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, लेट मी शो. सो दिस इज द इक्वेशन, कार्बन इज बैलेंस्ड, यू कैन सी रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक है. अब हाइड्रोजन चार है और यहाँ पे दो है, तो दो को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे टू लगा देंगे. टू टू जो फोर, फोर इधर हो गए, फोर इधर हो गए. ओके, इट्स बैलेंस्ड नाउ. ऑक्सीजन इज लेफ्ट, ऑक्सीजन यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू प्लस टू ये फोर हो गए ऑक्सीजन. तो अब टू इंटू टू, यहाँ पे टू लगा दोगे तो टू इंटू टू फोर, यानी कि ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है. इस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे. सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल एंड वी सी इट इन डिटेल. तो आप देखिए यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कर रहा है. तो अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, Zn plus H2SO4, that is giving us ZnSO4 plus H2. अब ये a bit complex reaction हो गई, ठीक है, bit complex equation हो गई. तो इसमें हमारे पास कितने सारे एलिमेंट्स आ गए, फर्स्ट इज जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, फोर एलिमेंट्स आ गए. आप सबसे पहले, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहला क्या स्टेप था कि आप सबको सबके आसपास बॉक्सेस फॉर्म कर लीजिए, फिर आप उनके नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट्स को सॉरी नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट साइड पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स हैं उनका नंबर लिख लीजिए, और राइट हैंड साइड पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका नंबर लिख लीजिए. यानी कि जिंक अगर लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है, कितने जिंक प्रेजेंट है, वन है ना, तो आप वन यहाँ लिखेंगे. वेयरएज आप प्रोडक्ट साइड पे देखिए जिंक वन ही प्रेजेंट है तो आप यहाँ वन लिखेंगे, यानी कि ये बैलेंस्ड है, ठीक है. देन सेकेंड एलिमेंट आ जाता है आपका हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आपके कितने हैं यहाँ पे, टू, हेयर इट इज टू, सो इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड. वेयरएज यू कैन सी सल्फर, सल्फर कितने हैं यहाँ पे, वन, एंड हेयर इज ऑल्सो वन, सो इट इज ऑल्सो बैलेंस्ड. वेयरएज यू कैन सी ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, फोर, हेयर इट इज ऑल्सो फोर, सो दे आर ऑल बैलेंस्ड. दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बैलेंस्ड है, जितने लेफ्ट हैंड साइड पे उतने ही राइट हैंड साइड पे, तो ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है. सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, सो नो नीड टू रीबैलेंस इट, सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन. सो लेट्स ट्राई विद अनदर एग्जांपल टू मेक यू मोर क्लियर विद द स्टेप. सो इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में हम लोग सारे स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं अच्छे से. सो हेयर व्हाट वी आर डूइंग, आयरन प्लस H2O, that is going to form us Fe3O4 plus H2. तो जो ये आयरन है, आयरन अब देखिए एक एलिमेंट हो गया, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, तीसरा ऑक्सीजन हो गया, तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास. तो हमारा स्टेप नंबर वन क्या था, क्या था हमारा स्टेप नंबर वन, कि आपको कोई भी चीज को, जब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो क्या करना है आपको, बॉक्सेस, इस तरह के बॉक्सेस उसके आसपास ड्रॉ करने हैं. सो वी आर फॉलोइंग स्टेप नंबर वन. So this is the equation. We are going to write it here and we are making boxes around the each element. Okay, iron, high water, then iske aspas, iron oxide ke aspas, and then H2 ke aspas. Okay. Then step number two. Step number two. Step number two mein kya tha? List down kar lijiye atoms, reactant sides pe aur product side pe. Aap pehle element ka naam likhiye. उसका नंबर रिएक्टेंट साइड पे जितना है उसमें लिख लीजिए इस बॉक्स में, और दूसरे बॉक्स में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो प्रोडक्ट साइड पे है, यानी कि राइट हैंड साइड पे. अब आयरन का देखिए, यहाँ पे एक ही आयरन है, और अगर आप प्रोडक्ट साइड पे देखिए यहाँ पे तीन आयरन है. आप हाइड्रोजन की बात कीजिए, यहाँ पे दो एटम्स है हाइड्रोजन के, यहाँ पे भी दो एटम्स है हाइड्रोजन के. आप ऑक्सीजन की बात कीजिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पे चार ऑक्सीजन है. तो आपको दो एलिमेंट्स को बैलेंस करने की जरूरत है, विच वन, आयरन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज हाइड्रोजन तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है. तो अब हम लोग स्टेप नंबर थ्री पे आ जाते हैं. हमारा स्टेप नंबर थ्री क्या था, स्टेप नंबर थ्री था
कि हमेशा बैलेंसिंग स्टार्ट करना उससे कन्वीनियंट होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा हो। तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट साइड्स पे किसी भी साइड पे हो सकते हैं। तो आप कौन सा वाला कंपाउंड चूज करेंगे, कौन सा वाला एलिमेंट चूज करेंगे? वाटर, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन के एटम्स को आप देख रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा किसमें फर्क आ रहा था? हम लोगों ने ऑक्सीजन को बैलेंस करने की सबसे ज्यादा एलिमेंट, सबसे ज्यादा एटम्स ऑक्सीजन के थे, ठीक है। तो अगर आप रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे ऑक्सीजन 1 था और जबकि प्रोडक्ट साइड पे ये 4 था, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप H2O4 लगा दीजिए, वो तो उसकी फॉर्म चेंज कर देगा। इट शुड रिमेन एज अ वाटर। तो हमें 4 कहाँ लगाना पड़ेगा? इसकी फ्रंट साइड पे, यहाँ पे 4 लगाएंगे आप, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज रिमेम्बर दैट की वी कैन नॉट ऑल्टर, वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इट शुड रिमेन सेम। सो हमारी रिएक्शन थी आयरन प्लस H2O इज गोइंग टू गिव अस Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन थे, इसको बैलेंस करने के लिए हमने 4 यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे एलिमेंट, ठीक है। अब हम आयरन और हाइड्रोजन स्टिल नॉट बैलेंस्ड है ना, अब इन दोनों को भी बैलेंस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले अब हम इनमें से कौन सा वाला बैलेंस करेंगे? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब हम देख लेते हैं हमारी इक्वेशन में कि यहाँ पे 8 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और यहाँ पे हमारे पास 2 हैं। तो हमें बैलेंस करने के लिए इसको हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी? जो यहाँ पे अब हमारे पास ये 4 to the 8 हो गए थे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 4 राइट डाउन कर देंगे। तो इससे भी हमारा 8 बन जाएंगे, 8 हाइड्रोजन। सो हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब क्या रह गया? वी आर लेफ्ट विद द आयरन, राइट। सो हमारा स्टेप नंबर 5 क्या होगा कि अब हम एलिमेंट आयरन को पकड़े। आयरन को जब हमने लिया, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 1 था और प्रोडक्ट साइड पे 3 थे। तो 3 प्रोडक्ट साइड पे थे, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग यहाँ पे 3 लगा देंगे। बेसिकली जब हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, हमारे आयरन 3 भी बैलेंस हो गए। अगर हम अब दोबारा से देखें, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन आ रहे हैं, ये 4 ऑक्सीजन इधर है, 8 हाइड्रोजन आ रहे, 8 हाइड्रोजन इधर है। सो दे आर ऑल बैलेंस्ड। सो दिस रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। सो आप फाइनली दोबारा से काउंट कर सकते हैं स्टेप 6 में टू सी द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। जैसे कि अभी हमने किया कि ये 3 इधर है, 3 इधर है आयरन के, 8 हाइड्रोजन के यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन के यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे एंड 4 ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे। नाउ दिस रिएक्शन इज, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। So we always try to use the smallest whole number coefficient. सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कि जिस सबसे छोटे नंबर से हम लोग बैलेंस कर सके उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा मे बी यू आर फाइंडिंग इट अ बिट टफ, बट इट्स नॉट एट ऑल टफ। आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू, सो you are finding it a bit like tedious to grasp this thing, but keep on practicing. At least go through your books, go through your NCERT book and try to do all the examples by taking paper and pen with you, and then write down the reactions and try to balance these reactions by yourself, following these all the steps, okay? Then keep on practicing. After 2 or 3 times you will do, so you will get this thing and aap easily kar payenge isko. And if you guys again are facing any doubts, and then you can
कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गेट बैक टू यू. ओके, सो ये हमारे 6 स्टेप्स हुए. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें क्या रह गया है, इसमें हमें फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर को भी केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा. ठीक है, बट इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई इस इक्वेशन में अबाउट द फिजिकल स्टेट्स. बट अगर आपको केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो यू हैव टू राइट डाउन देयर फिजिकल स्टेट्स, वेदर इट इज गैस, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड. सो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए गैशियस इज जी, लिक्विड इज एल एंड एक्वस इज ए क्यू, सॉलिड इज एस, एंड यू हैव टू राइट इट इन ब्रैकेट्स. ठीक है, अराउंड द एलिमेंट्स, राइट. सो आयरन इज अ सॉलिड, सो यू हैव टू राइट इट लाइक दिस, या ब्रैकेट ला लिए, एस लिखिए. सो इट डिफाइंस की आयरन सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, वॉटर गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है, सो यू हैव टू राइट इट हियर इन द फॉर्म ऑफ गैस. Fe3O4 आपका सॉलिड फॉर्म में है, सो यू विल राइट इट डाउन लाइक दिस, एंड H2 आपका गैस फॉर्म में, सो यू विल राइट इट डाउन लाइक. सो दिस रिएक्शन इज नाउ कंप्लीट, सो दिस इज गिविंग अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस से पहले हम देखेंगे कि वो क्या होती है. So this part is I hope clear with you. Please keep on practicing these chemical equations and how to balance these chemical equations. So आप इन steps को follow करते हुए कुछ examples को अपनी notebooks में करने की कोशिश कीजिए, and you will definitely be able to do those examples. ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप कर पाएंगे और उतनी अच्छे से आपको वो अपने आप दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप कहाँ पे क्या लगाएं कि वो बैलेंस हो जाए. ठीक है, तो आपकी स्पीड उतनी ही फास्ट हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Thank you so much. See you soon. Till then, take care. Bye-bye.